हाँ तो भाई सगीर भाई का मेडिकल हो गया। कितने रुपए लिए सगीर भाई? 92 भैया, 12 रियाल का चपन लगा दिया, ज्यादा है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन की तरह यहाँ पे बना रखा है, बिना उसके आ ही नहीं सकते यहाँ पे। ये शेख की गाड़ी है और ये देखो सिक्योरिटी वाला है, ये मर्सिडीज जो है। सामने फिएट की गाड़ी है, दो दरवाजे वाली और बहुत छोटी सी है, टाटा नैनो की तरह। जाम लग गया यहाँ पे और ये सामने सारा ये मेन सिटी है इसको। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ भी होंगे सब लोग ठीक ठाक होंगे। और भाई आज अभी जा रहा था, बैंक चल रहा था और पैसे लगाने थे यार घर पे, क्योंकि सैलरी मिल गई थी। तो अभी चल के, क्योंकि घर पे भाई इस टाइम पे पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत रहती है, एक दिन भी लेट हो जाओ ना फिर तो हिसाब किताब सारा गड़बड़ हो जाता है। तो अभी चल रहा हूँ बैंक में और पहले चलता हूँ भाई के पास में भी, वहाँ से चल के पहले पैसे ले लेता हूँ, उसके बाद में फिर चलता हूँ बैंक, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया, रूम से ही लेट हो गया हूँ, क्योंकि थोड़ा काम धाम के चक्कर में ना थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो अभी चलता हूँ, फिर पहले भाई के पास में भी चलता हूँ, क्योंकि देख रहे हो रोड पर आज धूप एक तो बहुत है और थोड़ा लेट हो गया ना, इसलिए ट्रैफिक भी बहुत है। अभी चल के पहले भाई से पैसे लेता हूँ, भाई से पैसे लेके उसके बाद में फिर चलता हूँ बैंक। आ गया भाई। यार इधर इतना ट्रैफिक होता है ना भाई के इधर, और दूसरी चीज़ क्या है, इधर सारे हाई सिक्योरिटी वाला एरिया है ना, इधर पुलिस वुलिस बड़े बड़े लोग ज़्यादा रहते हैं इधर, कर्नल सर्नल जो जितने भी हाई फाई पोस्ट वाले हैं ना, इस एरिया में ज़्यादा रहते थे, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत होती है मेरे भाई। अंदर तो जाने ही नहीं देते, अंदर तो बहुत मुश्किल से जाने देते हैं यहाँ पे, जो जिधर भाई रहता है इधर बहुत कम ही जाने देते हैं अंदर। अभी यहाँ पे चारों तरफ इधर पुलिस वाले का पहरा लगा रहता है, नशेरिया है, इधर भी पुलिस वालों का पहरा, उधर वाले को भी। भाई को मैंने फ़ोन किया, ये सामने वाइट कलर की फोर्ड वाली गाड़ी है, ये बाहर लेके आगे खड़ा है यहाँ पे। यहाँ पे चारों तरफ ये पुलिस वालों की गाड़ी लगी होती है, भाई की गई है, गाड़ी खड़ी है भाई की, तो यहीं पे है, आ गया हूँ। तो भाई भाई के पास आया था, ये रहा भाई गाड़ी, यहाँ अंदर नहीं जाने देते ना, दिक्कत ये है यहाँ पे अंदर जाने नहीं देते हैं, तो यहाँ आया था भाई, देख लो यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, बहुत सिक्योरिटी होती है यहाँ पे, बहुत ज्यादा, बहुत तगड़ा कार्ड हो तो अंडर एंट्री है। हाँ, बिना कार्ड के यहाँ पूरा दिल्ली के राष्ट्रपति भवन की तरह यहाँ पे बना रखा है, बिना उसके आ ही नहीं सकते यहाँ पे। हाँ, या तो को जब तक बंदा बात ना करे सिक्योरिटी वाले से कि हाँ कोई नहीं आ रहा है, तब तक अंदर एंट्री नहीं। भाई बहुत गर्मी है, अब चल रहा हूँ यहाँ से सीधा बैंक, अभी चलना है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, नहीं भी बैंक भी बंद हो जाएगा, और चलता हूँ फिर अभी निकलता हूँ यहाँ से। तो ये छोटा भाई था, इससे इसको पैसे मिले थे तो वही फ़ोन करके बुलाया था, बोला था मुझे ड्यूटी मेरी लग गई है और आके ले लेना, तो वही आया था भाई के पास में पैसे लेने के लिए, क्योंकि क्या है ना फिर टाइम नहीं मिलता है। अभी ले लिया, अब चल के अभी बैंक में लगा देता हूँ साथ ही साथ, क्योंकि दो बारी में लगाऊंगा डबल चार्ज देना पड़ता है ना। तो अब चल रहा हूँ बैंक में, देख रहे हो भीड़ जाम लगना स्टार्ट हो गया है, नहीं अभी बैंक भी बंद हो जाएगा आज, उसे लेट हो गया हूँ मैं, बैंक 10 बजे खुल जाता है और 11 बज गया मेरे भाई। काम धाम में क्या है ना, सुबह सुबह काम सोचा जल्दी निपटा लूँ, लेकिन कभी कभी क्या है जल्दी निपटाने के चक्कर में और लेट हो जाता है। तो अभी चल रहा हूँ बैंक, अभी यहाँ से कम 10-15 मिनट लगेगा बैंक भी पहुँचने में, जाम लग रहा है मेरे भाई, पहुँच के फिर देखता हूँ कितना टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ भी लाइन लगानी होती है ना। ये एरिया है उमल हमाम, इसको बोलते हैं उमल हमाम, और हमाम का मतलब यहाँ पे बोलते हैं बाथरूम जाना, तो यह है उमल हमाम। और ये सामने रहा बैंक टेली मनी, टेली मनी में क्या है थोड़ा भीड़ कम होती, थोड़ा तसल्ली रहता है, यहाँ पे कम से कम आधे घंटे, ज़्यादा 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 भीड़ है तो आधे घंटे लगेंगे, नहीं तो 15 मिनट में काम हो जाता है। तो ये रहा टेली मनी, और अभी देखता हूँ यहाँ पे पार्किंग पहले लगाऊँ गाड़ी, पार्क वूर्क करके उसके बाद में, देखो यहाँ पे ये रहा सामने अपना टेली मनी है, यही है टेली मनी, ये रहा, और फिर यहाँ भी चल के पैसा लगाता हूँ, पहले यहीं पे थोड़ा गाड़ी लगा दूँ साइड में, लगा दिए भाई पैसे। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है लगाने में, यहाँ पे मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट 20 मिनट, ज़्यादा भीड़ होती है तो आधे घंटे लग जाते हैं। बाकी और जितने भी बैंक है ना, वहाँ पे इस टाइम पे हाउसफुल चलता है, वो इसलिए चलता है थोड़ा सा वहाँ पे चार्ज कम है, यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा भीड़ कम होती है, ज़्यादा 1-2 रुपये का फर्क होता है और कुछ नहीं, पर यहाँ टाइम की बचत हो जाती है, बिना फालतू इतनी गर्मी में कहाँ लाइन लगना, वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, एक एक करके अंदर जाने हैं। यहाँ गलियाँ देख रहे हो, इतनी पतली पतली सी गली है यहाँ पे, अपने यहाँ इंडिया वाली गली है भाई ये, यहाँ की गलियाँ जो है तेरी गलियाँ वो तेरी गलियाँ, यही है भैया गली, देख रहे हो यहाँ पे कोई कोई गली ऐसी जहाँ से एक ही गाड़ी निकलती है। इस एरिया में क्या है ना, ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा हाई फाई एरिया नहीं है ना, ज़्यादा हाई फाई लोग यहाँ पे नहीं रहते, ज़्यादा पैसे वाले, थोड़ा लो कॉस्ट वाले यहाँ पे, लो बजट वाले रहते हैं ना, इसलिए थोड़ा ऐसा है। सगीर भाई का हमारे फ़ोन आ गया, वो अपना लाइसेंस रिन्यू करवा रहे थे ना,
यहाँ पे लाइसेंस वगैरह रिन्यू उनका एक्सपायर हो गया होगा, तो गए थे वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो पैसा ज्यादा मांग रहा है। मेडिकल होगा दोबारा से रिन्यू करवाओ, तो यहाँ पे दो जितनी बार रिन्यू करवाओगे उतनी बार मेरे ख्याल से यहाँ पे मेडिकल होता है, तो मेडिकल के लिए दोबारा बोला है कि जाओ मेडिकल करवा के आओ। और जहाँ पे वो मेडिकल करवाने गए थे वो 150 रियाल ऐसे कुछ मांग रहा है, और एक जगह है जहाँ पे थोड़ा सस्ता हो जाता है। तभी उन्होंने फ़ोन किया था, बोला था यार आओ जाओ वहाँ पे चलते हैं मेडिकल कराने के लिए। मैंने कहा रुक जाओ फिर आता हूँ। ये सामने देख रहे हो कोई तगड़ा आदमी जा रहा है, उसके पीछे सिक्योरिटी जा रही है, देख रहे हो पुलिस की गाड़ी GMC, देखो लाइटें जल रही इसमें, वो जा रहा है उससे मर्सिडीज में एस क्लास में, कोई भाई शेख बैठा होगा ना, और ये शेख की गाड़ी है, और ये देखो सिक्योरिटी वाला है, ये मर्सिडीज जो है एस क्लास, देख रहे हो यहाँ पे भाई ऐसे ही गाड़ियाँ चलती सिक्योरिटी में, GMC की तरह तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ होती हैं। ये तो सिंगल है अभी, तो तगड़ी 10-10, 20-20 गाड़ियाँ पीछे पीछे निकलती हैं, तो कुछ भी नहीं है। क्या भाई सगीर भाई का रूम, इन्होंने बोला मैं रूम पे हूँ, फ़ोन करता हूँ देखता हूँ कहाँ पे हैं भाई साहब, कह रहे थे रूम पे हूँ। ये भैया सगीर भाई अपने, ये देख रहे हो इनका लाइसेंस एक्सपायर है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई यहाँ पे आए हैं लाइसेंस रिन्यू करवाने सगीर भाई का, और ये देखो भाई लेके आए तीन में आए, ये मुस्तफा हतीन में भैया। बाहर अंदर एक लोगों की एंट्री है, एक बंदा गया हुआ है, बाकी सब बाहर। कितने रुपए लगता है भाई लाइसेंस रिन्यू करवाने के? 80 रियाल यहाँ पे लाइसेंस रिन्यू करवाने का 80 रियाल लगते, सारा कुछ ऑनलाइन फोनलाइन यही हो जाता है। अभी भैया हॉस्पिटल के आगे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना टाइम में एक ही बंदा अलाउड है अंदर, 2-3 नहीं जा सकते। हम लोग तीन बंदे थे, भाई को पता था भाई लेके आए हैं भैया, हमें तो पता नहीं था। सगीर भाई वहाँ कितना 150 मांग रहा था एक जगह, गए थे वो चूना लगा रहा था भाई 150 रुपये का चूना, यहाँ पे ना 50 रुपये में 80 रुपये में काम हो रहा है। तो अभी भाई आए हैं, अभी देखता हूँ कितनी देर में भाई यहाँ होता है, यहाँ सारा कुछ ऑनलाइन फोनलाइन सारा ब्लड व्लड चेकिंग 10 मिनट में यहाँ हेयर फेयर करके गेम खलास कर देते हैं। और गर्मी भाई बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी भाई, बहुत बुरा हाल है। टैक्स लगाओ तो 20 रुपया। यही वाला हॉस्पिटल भाई ये है, हत्तीन में आए, ये रहा हॉस्पिटल, और यहाँ पे 92 रियाल दौवार के पास में, ये रहा हॉस्पिटल कॉफी शॉप के पास में, यही है भैया। हाँ तो भाई सगीर भाई का मेडिकल हो गया, कितने रुपए लिए सगीर भाई? 92 भैया, 12 रियाल का चपत लगा दिया, ज्यादा है 12 रियाल का खसारा। और वहाँ की मैं बॉडीगार्ड लेके आया था साथ में। हाँ, और वहाँ कितने रुपए लिए थे? 115 वहाँ, 115 और यहाँ 92 रियाल में काम हो गया। अरे जाओ दादा हारन मार रहे, 25 रियाल का फायदा। हाँ 25 रियाल का भाई फायदा हो गया, फिर भी 25 रियाल नहीं यार। गर्मी देख रहे हो बहुत खतरनाक गर्मी, एसी ने धोखा दे दिया है भाई, बहुत ही तगड़ी वाली। अभी आया था हॉस्पिटल में मैडम को लेके, यहाँ पे देख रहे हो जाम लग गया भाई, यहाँ पे बहुत जाम होता है। मुस्तफा अल हबीब है ये, अल हबीब है और हॉस्पिटल है, यहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा। अभी देखता हूँ मेरे भाई यहाँ पे गाड़ी यार कहीं लगाऊं पार्किंग में, देखता हूँ पहले पार्किंग, उसके बाद फिर गाड़ी कहीं लगाता हूँ। ये सामने फिएट की गाड़ी है, 2 दरवाजे वाली, और बहुत छोटी सी है, टाटा नैनो की तरह, लेकिन भाई इसमें जो नंबर लगा हुआ है ना, वो बहुत ही महंगा नंबर लगा हुआ है, बहुत ही महंगा नंबर लगा हुआ है, 1 खाली लिखा हुआ है, बहुत ही पता नहीं कितने का भाई नंबर होगा, बहुत ही महंगा नंबर है। देख रहे हो सऊदी लेके घूम रहा है भाई, शौकीन है यहाँ एक से एक गाड़ियों के। तो भाई अभी जा रहा था होटल से खाना लेने के लिए, तो यहाँ फ़ोन भाई कभी भी आ सकता है भाई, कभी भी का मतलब कभी भी, जब तुम्हें उम्मीद ना हो, खासकर जब तुम खाना बैठोगे ना, तो अक्सर भाई यहाँ पे फ़ोन आता है, खाने जैसे बैठोगे ना वैसे तुरंत फ़ोन आता है। तभी जा रहा होटल से खाना लेके आऊँगा, फिर उसके बाद में फिर आके खाना खाता हूँ। फिर रात का इधर का नज़ारा भाई देखने वाला होता है रात का, ये सामने देख रहे हो पूरा ये चमचमाता है पूरा, इधर ना पूरा एरिया चमकता है लाइटों से ना, पूरा ये चमकता है। मेन रियाद जो सिटी है, मेन भैया सऊदी रियाद की ना जो मेन सिटी यही है, रात में ही देखने में खूबसूरत लगता है, दिन में इतना नहीं लगता, क्योंकि रात में ना यहाँ पे भीड़ उड़ इतनी होती मेरे भाई, इतनी पब्लिक होती, इतना ट्रैफिक लग जाता है। देख लो अभी से इस रोड पे ट्रैफिक लग रहा है, देख रहे हो अभी लग गया है ट्रैफिक, तो इस रोड पे मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत ही ज़्यादा। देख रहे हो जाम लग गया यहाँ पे, और ये सामने सारा ये
मेन सिटी है, इसको बोलते हैं अब्दुल्ला सिटी। ये जो है ना, ये बोलते हैं इसको अब्दुल्ला सिटी। ये है तकासूसी वाला रोड। अभी तो भाई खाना ला के दे दिया है, और यहाँ अक्सर मैंने देखा भाई, जब जैसे खाते टाइम बैठोगे ना वैसे ही फ़ोन आ जाएगा, या कहीं कहीं ड्यूटी लगी जाती पक्का। ये तो मैंने बहुत देखा, और सब लोगों के साथ यहाँ पे भाई यही होता है। तो इस वीडियो का एंड यही करते हैं, और अब चल रहा हूँ खाना वगैरह खाता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और भाई को दीजिए इजाज़त। तो फिर भाई अब मैं मिलूँगा आपको अपने अगले व्लॉग में, और अब चल रहा हूँ भूख बहुत तेज़ के लिए खाना खाता हूँ। भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह।